Today we're going to a pumpkin festival. पम्पकिन फेस्टिवल के अंदर जाने के लिए लेनी थी टिकट और जिसका प्राइस था $10 पर पर्सन। हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हैलोवीन से जस्ट पहले, इनफैक्ट मिड सितंबर से यहाँ पे शुरू हो जाते हैं पम्पकिन फेस्टिवल्स। ऐसे ही कुछ पम्पकिन फेस्टिवल में आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे और आप लोगों को भी अपने साथ घुमाऊंगी। पार्किंग करते हमने ले लिए टिकट जैसे आपने देखा और एंट्री के लिए इस तरह के स्टैंप उन्होंने सबको लगा दिए हैं, पम्पकिन ही है ये। और अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या है। ये जो फार्म है, इन्होंने अपने खुद के पम्पकिन्स भी उगाए थे, वो यहाँ पे ये बेच रहे हैं। डिफरेंट प्राइसेस में मिल रहे हैं, कोई 4 के हैं छोटे वाले, 6 के, और ये बड़े वाले जो ऑरेंज वाले हैं ये $10 का एक है। तो ये पम्पकिन कार्विंग के लिए और डेकोरेशन के लिए बहुत लोग खरीदते हैं। पम्पकिन के पीछे काफ़ी सारी किड्स एक्टिविटीज़ हैं, वो हम लोग करेंगे बाद में। और इधर की साइड है कॉर्न मेज, पूरा जो भूल भुलैया होता है पीछे, जहाँ पे हो रही है हेयर राइड। सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं हेयर राइड। देख के ऐसा लग रहा है कि पिछले साल से इस साल ज्यादा भीड़ है, क्योंकि कोविड में ऐसा है ना कि लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं और एक ये ओपन एरिया इवेंट होता है तो काफी लोग बाहर आए हुए हैं। तो यहाँ हेयर राइड के लिए लाइन में लगे हुए हैं, हमसे आगे काफी लोग हैं तो हमारा सेकेंड वाले में नंबर आएगा। ये ट्रैक्टर वैगन को पुल करते हुए ला रहे हैं, इसी में लोग बैठ के चक्कर लगा रहे हैं और इसके अंदर हे रखी हुई है, इसलिए इसे हे राइड कहते हैं। इसमें बैठने का चांस आ जाएगा। और अच्छा, इस पहले वाली में नहीं आया, वो पूरी फुल हो गई थी, इसमें कॉर्नर में बैठने को मिलेगा बिल्कुल आगे। I feel like that's what he does too. Knees and shins. Bumpy. Oh yeah, he does fingers too. For somehow he has his hands and fingers on the phone. यहाँ इन्होंने बताया है कि 10 स्टेप्स टू अ जायंट पम्पकिन, बड़ा कद्दू लगाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो अगर किसी को कद्दू की खेती करनी है तो यहाँ स्टेप्स लिखे हुए हैं। यहाँ भी खेत में काफी पम्पकिन पड़े हुए हैं, कद्दू कुछ कटे पटे पड़े हैं, कुछ सही हैं, तो लोग यहाँ से भी लेके जा रहे हैं। हाँ, ये छोटा कच्चा, गंदा हो रहा है, साफ कर लेंगे। ये छोटू सा कद्दू, कद्दू दो छोटे कद्दू चाहिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए। नहीं है, मुझे तो नहीं चाहिए। ओके यार, जस्ट अच्छा। थ्री फॉर योरसेल्फ। देख, पहले ना कद्दू फ्लावर होता। हाँ। फिर वो फ्लावर्स के बाद जब बीज को पॉलिनेट कर देते ना तब वो कद्दू। इस बार देश सारे सब सुपर साफ करके ले गए उसको। हाँ, वीकेंड है ना, इसलिए शाम तक सारा खाली भी हो जाता है। फिलहाल तो बहुत बड़ा लग रहा है,
उठा के देखती हूँ कितना भारी है, मुझे उठाया जाता है। ओह सही है, हैवी है बहुत आ रहा, उठाना है जल्दी नीचे लग देती हूँ, बहुत भारी है। खेत का चक्कर हो गया है, उसमें जो बैठ के आए थे हम उसी गाड़ी से वापस पहुंच जाएंगे जहाँ पे एक्टिविटीज वगैरह हो रही हैं। वो पम्पकिन उठाने में तो मेरी हालत खराब हो गई। यार वापस वहीं जाएंगे ना, बीच में साइड में नहीं, ये हे राइड इसलिए क्योंकि जहाँ पे भी बैठे हैं सब लोग वो नीचे हे है और उस पे बैठे हुए हैं सब लोग। हे की बेल्स हैं। अब जाएंगे कॉर्न बेस के अंदर। मक्का कितनी चीजें बनाने में यूज हो जाता है, मार्शमेलोस, च्युइंग गम, सैलेड ड्रेसिंग, पीनट बटर, आइसक्रीम, तो बहुत सारे यूजेस हैं। अमेरिकन कॉर्न तो हमें पता ही, इंडिया में भी कितना पॉपुलर है, तो पूरा बार्टर सिस्टम आई थिंक होता होगा, तो कॉर्न जो है वो एज मनी यूज होता था। अच्छा कॉर्न में हमेशा इवन नंबर ऑफ रोज होती हैं, यहाँ मुझे नहीं पता था, अपने आप से वाइल्ड में नहीं ग्रो होता है। सबसे बड़ी कॉर्न मेज का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कैलिफोर्निया का, 2014 में 60 एकर्स की थी वो। वाओ पूरे पक गए हैं, ये उठाने नहीं वाले इनको। अच्छा हां, फाइंड द वे, फाइंड द वे। लॉट्स ऑफ कॉर्न और मिल रहा है रास्ता अरब आगे का, किधर जाना है? ओह हाँ सही कह रहा है, ही सपोज टू लीड। ब्लॉक, अब किधर जाए? नहीं यहाँ से तो खुला है थोड़ा। भूल भुलैया दाने पड़े हैं मक्के के। आप ही लीड कर रहे हो, बताओ अब किधर जाना है। There you are. काफी सारे लगे हुए हैं। बर्बाद करते हुए, बर्बाद करने के लिए बच्चों को ये टिकटिक करेंगे। यहाँ बच्चे पूरा शोर में जा रहे थे सर। यहाँ बहुत ज्यादा लगे हुए, बहुत ही ज्यादा। ये देखिए हाँ मक्का पूरी वे और हाँ और पके हुए हैं बहुत ज्यादा। ये इन्होंने काटी नहीं ना, टाइम से नहीं लिया, इसी के लिए करा हुआ ना, क्योंकि माउस अटैक ईटिंग कॉर्न टेलिंग अस कैरेस ड्रैकुला कार्विंग अ पम्पकिन। कहाँ जाने आ रहा अगला? हाँ बता रहा हूँ, किधर जाना। चल आगे चलता रहे। अब तो कुछ आवाज आगे वापस आगे, चलो चलो हो गई होगी, चलो हाँ आ गए बाहर। हाँ काफी बड़ी मेज थी तो फाइनली अब आ गए बाहर। और अब किधर जा रहे हैं? आरव प्ले एरिया में। ओके
पिग स्प्रिंट्स भी है। आ रहा पिग स्प्रिंट देखने उधर। वहां पे दूर घोड़े भी जा रहे हैं। हमारे 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 इंडिया में नाली में मिलते ग्रास खा रहे ऐसे नहीं खाएगा अरे वो घास को तोड़ के अपने पास ऐसे नीचे ब्रिज डे एक इवेंट होता है हमारे स्टेट में हर साल, जो इस साल नहीं हुआ है। उसमें पूरे यूएस से बेस जंपर्स आते हैं जो बहुत ऊंचाई से खाई के अंदर छलांग लगाते हैं। अगर आप देखना चाहें तो वो चैनल पे है वीडियो। There's so many games I want to play them all. I was hoping to get there every year, and I love them. I want to play them again and again and again. Come on, come on. Try again. Good job. Then I'll jump. Let up, let up, jump. Let up. Yeah, zip line. Main zip line karunga. Get one more turn, buddy. River, go. You get one more turn. Woo! Come on. Bye. Bye. Thank you. Bye. River. You have one more turn. Well. Zip line gurki maza I get. लैसो द लॉन्ग हॉर्न या अपनी देसी भाषा में बोल लेते हैं लसो। जोर से ही हा गोल गोल घुमा रहा था ऐसे ऐसे उसकी तरह लैसो की तरह ऐसे गोल गोल रख खींच ले या खींच ले बना ले खींच खींच जोर से की रस्सी को खींच ही हा ऐसे चलो हो गया। इतने सारे घोड़े जो दिख रहे थे वो हॉर्स राइडिंग के लिए ही थे जैसे लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज थी जिसको जो पसंद है वो कर सकता है। आप मेरे साथ ही बैठोगे? Yeah. हाँ भी कोई खेत में जोतने तो बता दो, हमारा ट्रैक्टर तैयार है। क्यों आरब एक स्पॉट बनाया हुआ था पिक्चर्स क्लिक करने के लिए जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, जो उन्होंने डेकोरेट किया था हेकी बेल्स फ्लावर्स एंड पम्पकिन के साथ। तो जैसे यहाँ पे लोग पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, हमने भी अपनी खिंचवाई थी जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की है। सिंस दिस वीडियो वॉज रिलेटेड टू फार्म और वीडियो एंड करने से पहले ये बात मुझे याद आ रही कि अभी इंडिया में हमारे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड आई रियली होप कि उनकी जो भी इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको गवर्नमेंट जल्दी से सॉल्व करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।